बीजेपी की सांसद कंगना रनौत के फिर बिगड़े हैं बोल और उन्होंने कहा कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व कमज़ोर होता तो भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति होती। किसान आंदोलन पर बोली कंगना और कहा कि हमने देखा किसान आंदोलन में क्या हो रहा है, प्रदर्शन के नाम पर हिंसा फैलाई जा रही है, वहां पर रेप हो रहे थे, लोगों को मार कर लटकाया जा रहा था। हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी एमपी है कंगना रनौत, उनके द्वारा किसानों पर इस प्रकार जो है आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे, किसान संगठनों के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा और अन्य संगठनों के द्वारा इसका विरोध भी जताया जा रहा है। कंगना रनौत के इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा है। सुरजेवाला के द्वारा इसका सबसे पहले विरोध किया है और कहा है कि कंगना रनौत पर NSA लगाकर उस पर एक्शन लेने की आवश्यकता है। वहीं इस बयान को लेकर बीजेपी पार्टी का बयान भी सामने आया और उन्हें अपना पल्ला झाड़ लिया है और कहा है कि यह उनका निजी बयान है, बीजेपी पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। पर कंगना के इस बयान से आ बैल मुझे मार की कहावत फिट होती बैठती दिख रही है, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है। किसान संगठन हरियाणा के शंभू खिनौरी चौटाला बॉर्डर पर पिछले 6 महीनों से बैठे हैं और इस बयान के बाद वे भड़के हुए हैं। विधानसभा चुनाव के वक्त ऐसा बयान देना बीजेपी को भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस जो है पहले से हमलावर है और हरियाणा के पास जो किसान बैठे हैं उनके अंदर भी इसको बयान को लेकर रोष उत्पन्न हुआ है। कांग्रेस के सुरजेवाला बोले कि कंगना ने यह सब बोला है, इसकी कहानी लिखने वाला कोई और ही है, इस तरह का आरोप उनके द्वारा लगाया गया है। यह पहला मौका नहीं है कि कंगना रनौत के द्वारा किसानों के आंदोलन को लेकर बयान दिए हों, पहले भी ऐसे बयान दे चुकी हैं जिसको लेकर पहले भी महिलाओं के अंदर खास रूप से रोष फैला था। कांग्रेस पार्टी और किसान नेताओं के द्वारा यही कहा जा रहा है कि कंगना रनौत को खास रूप से ट्रेनिंग देकर बार बार ऐसे बयान देने के लिए बीजेपी खुद ही तैयार कर रही है, लेकिन वह आमतौर पर मीडिया के अंदर अपना पल्ला बयान के बाद प्रूफ झाड़ लेती है। लेकिन दरअसल बीजेपी पार्टी ही कंगना रनौत को छूट दे रखी है कि आप बड़ बोले बोल बोलिए और देश के अंदर नफरत फैलाने का काम करिए। कंगना रनौत की फिल्म एमरजेंसी को लेकर पंजाब और अन्य राज्यों के अंदर पहले ही विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इस फिल्म को नहीं चलने दिया जाएगा, ऐसे बयान आ रहे हैं। और एक नया बयान किसानों पर देकर कंगना रनौत ने जहां आग में घी डालने का काम किया है और इस बयान के बाद और किसान भड़के हैं और संगठन भी अब तैयारी कर रहे हैं कि इसकी एमरजेंसी फिल्म को 2 सितंबर को जो रिलीज होने वाली की बातें सामने आई हैं उसको लेकर विरोध करेंगे और जो नया विवादित बयान दिया है उसका भी हम विरोध करेंगे। देखते हैं किसान और अन्य संगठन कंगना रनौत के इस बयान को लेकर और फिल्म को लेकर आगे क्या रणनीति बनाते हैं और जो बार बार इस प्रकार विवादित बयान दे रही हैं उस पर कंगना रनौत पर कार्रवाई कोई करेगा या नहीं करेगा, यह तो आगे देखने वाली बातें हैं। कलम न्यूज के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।